अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का हो रहा है 10:30 और मैं सारा काम करके आ गई हूँ किचन में और मैं अपने लिए चाय वाय कुछ ले लूँ क्योंकि मैं अभी सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ। तो मैं सोची लाओ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और आज मैं बनाई हूँ नाश्ते में, मतलब बच्चों को टिफिन भी देना होता है ना, तो कुछ ऐसा बनाना होता है कि जो टिफिन में बच्चे लेके चले जाए और मेरे लिए भी हो जाए, सब लोग मतलब नाश्ता कर ले। तो आज मैं बनाई थी लिट्टी, जो सत्तू वाला लिट्टी होता है ना, सत्तू भर के, जानते होंगे आप लोग, ज्यादातर लोग जानते होंगे, वही मैं बनाई थी। तो बच्चे लोग टिफिन में लेके चले गए हैं और मैं अपने लिए रख ली थी। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, वो भी खा के चले गए हैं नाश्ता करके। और अब मैं बनाई हूँ अपने लिए चाय, चाय और वही लिट्टी खाऊंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और मुझे लग रही है भूख तो लगी जाती है। टाइम हो जाता है काम करते करते, 10:30 हो जाता है, मेरा तो हो जाता है। आप लोग बताना आप लोग का काम कितने बजे तक खत्म हो जाता है। और ना उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाना है, उसके लिए मैं दाल चढ़ा भी दी हूँ, साथ साथ में बनता रहेगा धीरे धीरे से बनता रहता है। और चलिए मैं आप लोग से बातें करते करते खा भी लेती हूँ। और पता है बच्चे कह रहे थे ना कि मम्मी जब मैं लिट्टी ले जाती हूँ ना, मतलब स्कूल में लंच में ले जाते हैं, तो उनके सब फ्रेंड बोलते हैं तुम बिहारी हो क्या, लिट्टी लाए हो, तुम बिहारी हो क्या, मतलब क्या बिहार के लोग ही लिट्टी खाते हैं क्या, ऐसा नहीं है। तो वही मैं उनसे कह रही थी कदम ऐसा नहीं है, सब लोग खाते हैं। तो बहुत लोग को पसंद आता है, ज्यादातर लोग को लिट्टी पसंद आता है। आप लोग में से किस किस को लिट्टी पसंद है बताना। वो जो सत्तू उत्तू भर के बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है और काफी आइटम पड़ते हैं उसमें। तो आप लोग बताना आप लोग बनाते हो कि नहीं। ये वाली जो है ना, ये वाली ऐसे बनती है, एक ना वो आग में बनती है जो कंडे पे बनती है, और एक ये तल के बना है, ये तेल में तल के बनता है, काफी टेस्टी होता है। मैं दिखा रही हूँ, इसके अंदर ऐसे ये भरा जाता है। और इसको ना चोखे के साथ खाइए, जो भरता होता है ना आलू पाउच के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, मैं तो चाय के साथ खाने जा रही हूँ। तो ये है लिट्टी और ये है चाय, आ जाइए। तो मैं जल्दी जल्दी से खा रही हूँ क्योंकि सुबह के टाइम ना बहुत जल्दी होती है और अभी मुझे और भी सारे काम करने हैं। अभी तो दाल मेरी बन रही है, अभी सब्जी कट करनी है, चावल बनाना है, रोटी बनानी है और मुझे सिलाई भी करना है क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है ना, नाग पंचमी है मंडे ट्यूजडे को, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो यही सब काम होता है, इसलिए बस सुबह जल्दी जल्दी ये होता है कितना जल्दी काम खत्म हो जाए फटाफट से। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 7:00 और मैं जो सुबह में आप लोग से मिली थी और चाय वाय मैं बनाई थी, चाय पी थी और वही उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इतना बिजी हो गई कि कपड़ा वपड़ा सिलना था उसी वजह। अभी मैं लेके आई हूँ गेहूं क्योंकि मेरे यहाँ आटा बिल्कुल खत्म है, आटा नहीं है, तो मैं लेके आई हूँ गेहूं, धुली थी, सूख गया है, सूख क्या गया है, आज दिन भर बस गेहूं का ही चक्कर लगाना पड़ा, ऊपर नीचे, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप, तो फाइनली सूख गया है। मैं लेके आई हूँ, सोच रही इसको बना के दे दे, चक्की पे चला जाए, पीस के आ जाए क्योंकि मेरे घर में आटा नहीं है। तो वही मैं जा रही हूँ बनाने, तो मैं सोची लाओ आप लोग को दिखा देते हैं। ये अभी टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है, 7:15 हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ गेहूं बनाने, मतलब उसमें देख लेते हैं, कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कुछ कंकड़ उंकड़ तो नहीं है, वही साफ करके फिर दे देना है चक्की पे, बाकी साफ है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना है गेहूं में। तो चलिए, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ऐसे झाड़ देते हैं और जो कंकड़ उंकड़ होते हैं उसको देख लेते हैं और जल्दी से करके देना है क्योंकि 7:30 हो गया है और 8:30 बजे तक चक्की खुली रहती है, उसके बाद से बंद हो जाएगा। तो बस मेरा पीस के आ जाए आटा और उसके बाद से गेहूं भेज दी हूँ मैं चक्की पे, फिर आ गई हूँ बर्तन धुलने थे और बर्तन मैं साफ कर रही हूँ यहाँ पे। अभी खाना भी बनाना है तो खाने की तैयारी करनी है और खाना में आज कुछ हल्का ही बनेगा क्योंकि शाम को ना सब लोग थोड़ा हैवी नाश्ता कर लिए थे तो किसी को उतना भूख है नहीं। तो वही मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो बच्चे कह रहे थे मम्मी तहरी बना दो, तो अभी बर्तन धुल के फिर उसकी तैयारी कर लेते हैं, जल्दी से बन जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो तहरी बना देंगे, वही हो जाएगा रात का खाना और फिर ठीक भी रहेगा, हल्का रहेगा। तो तहरी के लिए मैं यहाँ पे आलू कट कर ली हूँ, प्याज, लहसुन, मिर्चा, टमाटर, तेज पत्ता है और मटर है, हरी मटर, यहाँ पे चावल भी धुल के रख ली हूँ।
तो बस ये तैयारी कर ली हूँ। और मेरे ना कपड़े गीले हो गए, जब मैं बर्तन धुल रही थी ना मेरे कपड़े गीले हो गए थे, फिर मुझे चेंज करना पड़ा। तो चेंज करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और कुकर रख दी हूँ गैस पे। अब जल्दी से इसमें तेल डाल देंगे, और डाल देंगे तेज पत्ता, हींग, जीरा, मेथी, ये सब डाल देंगे। उसके बाद से फिर इसमें डालेंगे प्याज, प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद से डाल देंगे मसाले, हल्के वही सब्जी वाले नॉर्मली मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं हम लोग के, वही मसाले डाल लेती हूँ। उसके बाद से जो आलू है आलू डाल देंगे, मटर डाल देंगे, उसके भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से फिर डाल देंगे चावल और टमाटर वमाटर जो है सब डाल देंगे, चावल को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद से इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। तहरी में जब तक घी नहीं जाता है ना तब तक खाने में मज़ा नहीं आती है, तो घी डाल देंगे। उसके बाद से फिर जितना पानी हमको इसमें डालना है पानी डाल देंगे। उसके बाद 2 सीटी लगा देते हैं, बस हो जाता है फटाक से तैयार। तो मेरा तहरी हो गया तैयार, सीटी आ गई तो